मीडिया के सामने मत करे आज, फिर एक बार हिंदी भाषा नहीं लगे संगठन में कहे मीडिया देख रही सब क्या मतलब ये क्या तू कहते हो ऊपर एक मीटिंग में चलना चल ऊपर। हंगामे की तस्वीर देवास के कांग्रेस कार्यालय से सामने आई है जहां टिकट वितरण की बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आप ये सुनिए, बीते दिनों सज्जन सिंह वर्मा ने हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल का नाम फाइनल होने की घोषणा कर दी। मेरी दिल्ली तक पहुंची थी, उसी के आधार पे बघेल साहब को घर बैठे टिकट मिला था, तो अब राजवीर का टिकट फाइनल है। इस घोषणा के बाद ही नाराजगी जाहिर करते हुए युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव विश्वजीत सिंह चौहान और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मीडिया के सामने मत करे आज, फिर एक बार हिंदी भाषा नहीं लगे संगठन में कहे मीडिया देख रही सब क्या मतलब ये क्या तू कहते हो ऊपर एक मीटिंग में चलना चल ऊपर मीटिंग युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव विश्वजीत सिंह चौहान और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव मीटिंग लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही बहसबाजी की तस्वीर उजागर हो गई। विधानसभा को लेकर एक बयान जारी किया था हमारे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी द्वारा कि हाट पिपलिया का टिकट फाइनल है राजवीर सिंह बघेल का, उसी बयान के विरोध में हमने पहले पूर्व में भी मैंने अपनी बात रखी थी और आज भी हमने प्रभारी के समक्ष बात रखी कि अगर जब टिकट पुण्य तिथि के कार्यक्रमों में फाइनल हो रहा है तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी प्रदेश का दौरा क्यों कर रहे हैं, संगठन प्रदेश का दौरा क्यों कर रहा है, प्रदेश का दौरा बंद कर देना चाहिए, चुनाव प्रचार चालू कर देना चाहिए। अगर जो 40 साल से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है जिन्होंने सोनकच्छ में निर्दलीय पार्षद के चुनाव लड़कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव हराए हैं, ऐसे लोगों को पार्टी की टिकट की तरफदारी कर रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। तो एक और पीसीसी चीफ कमलनाथ आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी से टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। देखना होगा कि पार्टी इस मामले में क्या एक्शन लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए एहतशाम कुरैशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।